पहली मरतबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस मस्जिद के अंदर कुरान और सुन्नत के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ी जाती हो, कोई दूसरी चीज बयान की जाती हो, ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज दुरुस्त नहीं। और एक नुक्ता और भी बता दूं कि जिस इमाम का अकीदा दुरुस्त ना हो, किताब सुन्नत के मुताबिक अकीदा ना दुरुस्त हो, उस इमाम के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। बाद लोग ये पूछते हैं फला के पीछे नमाज दुरुस्त है, फला के पीछे नमाज। उसूल याद रखो कि जो आदमी किताब सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा नहीं रखता, किताब सुन्नत के मुताबिक अपना अमल नहीं रखता, ऐसे इमाम के पीछे और ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, नमाज होती ही नहीं है, नमाज लौटाई जाए। इसलिए कि नमाज का मसला बहुत ही सीरियस है। किताब व सुन्नत का अकीदा रखने वाला, किताब व सुन्नत के मुताबिक अगर अकीदा इमाम रख रहा है तो उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, और किताब व सुन्नत के मुताबिक नमाज नबवी पढ़ा रहा है तो उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, वरना नमाज उसके पीछे दुरुस्त नहीं है। बाद लोग कहते हैं बिदाती के पीछे नमाज जाए, तो कौन से बिदाती की बात कर रहे हैं आप? वो सियासी बिदात है जो बुखारी शरीफ में है कि अश्तर नखई वगैरह नमाज जब पढ़ाते थे और हजरत अली उनके पीछे पढ़ते थे, सहाबे कराम पढ़ते थे, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाते थे, उस वक्त वे बिदातें सब आई ही नहीं थी। पता नहीं किस लोग इस्तदलाल करते। तो किताब व सुन्नत के मुताबिक अकीदा अगर आदमी रख रहा है और किताब व सुन्नत के मुताबिक नमाज नबी पढ़ा रहे तो उसके पीछे नमाज होगी, वरना आप दूसरी जो मस्जिद है जहां किताब व सुन्नत के मुताबिक अकीदा रखने वाला इमाम है और उसके मुताबिक नमाज पढ़ा, वहां नमाज पढ़ी। और अगर मस्जिद आपको ना मिले ऐसी, तो उसका भी हल इस बारे में बताया गया, वजअलु बुयूतकुम क़िबला, अपने घर को मस्जिद बना लो, अपने घर को मस्जिद बना लो, वाकिमुस्सला, और उसके अंदर नमाज पढ़ो, वबश्शिरिल मोमिनीन, और मोमिनों को बशारत दे दो। इसमें एक नुक्ता यह भी मिला कि अगर आपको दूसरी जगह नमाज पढ़ने में कबाहत महसूस होती है शरई, तो आप घर में नमाज पढ़ने, वजअलु बुयूतकुम क़िबला, अरब क़िबला मस्जिद को बोलते हैं, तो अपने घरों को किबला बना लो यानी मस्जिद बना लो, उसी में नमाज पढ़ो। एक नुक्ता और मिला कि आरजी तौर पर किसी जगह को मस्जिद बनाया जा सकता है कि अभी मस्जिद बन रही है तो चलो वहां नमाज ना पढ़ करके कोई एक खास जगह है वहां हम नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे यहां एक जगह खास कर ली गई थी, वहां पर लोग नमाज पढ़ते थे, बाद में दूसरी जगह नमाज पढ़ने लगे, तो किसी खास जगह को वक्ती और आरजी और हंगामी तौर पर कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए मस्जिद बनाना दुरुस्त है, ताकि कोई मस्जिद तैयार हो जाए। तो एक तो कुफरन किताब सुन्नत के अलावा को दूसरी तालीम दी जा रही है, और जरारन मकसद ये कि मुसलमानों को तकलीफ, वह तफरीकम बैनल मोमिनीन, मोमिनीन के दरमियान तफरीक पैदा की जाए। पता ये चला कि कोई ऐसी मस्जिद जिसके अंदर मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा किया जा रहा हो, ऐसी मस्जिद मस्जिद ज़रार है। वह इरसाद लिमन हारब अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए कमीनगाह बनाई जा रही हो, जगह बनाई, अड्डा बनाया जा रहा हो, अड्डा बनाया जा रहा हो, अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए मस्जिद मस्जिद ज़रार है। तो ये चार सिफ़तें जिस मस्जिद के अंदर पाई जाए, चारों में से एक मस्जिद मस्जिद ज़रार है, उसके अंदर नमाज दुरुस्त नहीं है।